सुप्रीम कोर्ट का सवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव से पहले ही क्यों गिरफ्तार किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि आजादी बेहद अहम है, 3 मई तक 5 सवालों के जवाब भी मांगे हैं। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तारी और डिमांड के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। बेंच ने ईडी के वकील एएसजी एसवी राजू से पूछा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही क्यों गिरफ्तार किया गया? स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। कोर्ट ने 5 सवालों के जवाब के साथ 3 मई को सुनवाई की तारीख रखी है और अब आगे क्या होगा वो भी देख होगा। लेकिन इतना तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट में अब यह मामला पहुंचा है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शायद कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन वही ईडी के लिए मुश्किल होने वाली है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इन 5 सवालों के जवाब 3 मई तक ईडी को समय दिया है और 3 मई तक इन 5 सवालों के जवाब देने होंगे। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से यह 5 सवाल कौन से पूछे हैं? सबसे पहले बात करते हैं कि क्या बिना किसी न्यायिक कार्रवाई के विजय मदनलाल चौधरी या अन्य मामले में जो कहा गया है उसके संदर्भ में आपराधिक कार्रवाई शुरू की जा सकती है? जस्टिस खन्ना ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के मामले में अब तक कोई कुर्की नहीं हुई है, अगर हुई है तो ईडी को यह बताना होगा कि उनका संबंध कैसा था। दूसरे नंबर पर आता है सवाल के मनीष सिसोदिया मामले में फैसले के 2 हिस्से हैं, एक जो उनके पक्ष में है और एक जो उनके पक्ष में नहीं है, तो अरविंद केजरीवाल का मामला किस भाग में आता है? वहीं तीसरा सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि पीएमएलए के सेक्शन 19 की व्याख्या कैसे की जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जमानत के लिए आवेदन करने के बजाय केजरीवाल ने गिरफ्तार और रिमांड के खिलाफ आ रहे हैं और यदि वे बाद का रास्ता अपनाते हैं तो उन्हें पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत उच्च प्रावधानों का सामना भी करना पड़ेगा। चौथा सवाल है कि मामले में कार्रवाई शुरू होने और कुछ समय बाद बार बार शिकायत दर्ज होने के बीच का समय, इस संबंध में यह बताया गया कि अंतर के गंभीर नतीजे होंगे। धारा 8 न्यायिक प्रक्रिया के लिए 365 दिनों की अधिकतम समय सीमा निर्धारित करती है। और पांचवा सवाल है कि गिरफ्तारी की टाइमिंग चुनाव से पहले ही ऐसा क्यों किया? और अब आपको बता दें कि जिस तरह से यह सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो पिछली 2 सुनवाइयों में क्या क्या हुआ है। 29 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलीलें क्या क्या दी गई है। 3 स्टेज होती है, दस्तावेज, विश्वास करने का कारण और आरोपी होना। गिरफ्तार करने का अधिकार होने का मतलब यह नहीं है कि गिरफ्तारी कर ले, आरोप साबित होना चाहिए, सिर्फ शक नहीं होना चाहिए, आपके पास पुख्ता या आरोपी साबित करने के सबूत होने चाहिए, कुछ आधार होना चाहिए जो हमें नहीं पता। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने बुलाया, वे गए, ईडी के नोटिस का डिटेल में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वे नहीं आ सकते, आप आज ये नहीं कह सकते कि आप आए नहीं इसलिए हमने गिरफ्तार कर लिया, ये मेरा अधिकार है कि मैं ना जाऊं। और अगर कोई आरोपी कहता है कि बयान नहीं दूंगा तो क्या आप कह सकते कि आरोपी सहयोग नहीं कर रहा है इसलिए उसे गिरफ्तार करते हैं? इन्होंने केजरीवाल को गिरफ्तार किया सेक्शन 50 के तहत, वहां बयान नहीं लिए गए, 1.5 साल तक गिरफ्तारी नहीं की गई, मेरी बेल को नकार दिए जाने से मुझे घर आकर गिरफ्तार करने का आधार नहीं बनता। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आपको ईडी ने जो नोटिस भेजे आपने उन्हें नजरअंदाज क्यों किया? आप गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ यहाँ आए, आपने जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट क्यों नहीं गए? इस पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी अवैध है, इसलिए ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा कि उन्होंने पिछली कस्टडी का भी विरोध नहीं किया। आपको बता देंगे 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस देकर गिरफ्तारी पर जवाब मांगा। 15 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी से 24 अप्रैल तक का जवाब मांगा था। हलफनामे में ईडी ने कहा कि कई बार समन भेजने के बावजूद भी उन्होंने एजेंसी का सहयोग नहीं किया। ईडी ने यह भी कहा कि केजरीवाल को किसी दुर्भावना या दूसरे कारणों से गिरफ्तार नहीं किया गया है। किसी अपराध की जांच एक ऐसा क्षेत्र है जो जांच एजेंसी के लिए रिजर्व है, उनकी गिरफ्तारी भी जांच का हिस्सा है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि गिरफ्तारी सही है और
अब आगे इस मामले में क्या होगा वो भी देखना होगा। ईडी ने 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 9 बार समन मिलने के बावजूद अरविंद केजरीवाल पूछताछ से बच रहे थे। उनके इसी रवैये से जांच अधिकारी को गिरफ्तारी की वजह मिली। साथ ही जांच अधिकारी के पास मौजूद चीजों ने भी यह साबित करने में मदद की कि वे दोषी है। अरविंद केजरीवाल से 21 मार्च की तलाशी के दौरान उनके मोबाइल फोन का पासवर्ड मांगा गया। ईडी की हिरासत के दौरान भी यही पूछा गया कि इन्होंने इसे शेयर करने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को सही बताया था। 9 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताया था। साथ ही कहा था कि ईडी के पास गिरफ्तारी के पर्याप्त सबूत है। इसके बाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 10 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। 15 अप्रैल को सुनवाई करते हुए शीर्ष कोर्ट ने 29 अप्रैल की तारीख दी थी। कल सिंघवी ने 1 घंटे तक दलीलें रखी थी। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया इसी मामले में जेल में है और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता संजय सिंह जमानत पर है। अरविंद केजरीवाल से पहले शराब नीति केस में आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हुई थी। सिसोदिया 26 फरवरी 2023 से जेल में बंद है और संजय सिंह को ईडी ने 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था और इसी महीने 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। तिहाड़ में 6 महीने रहने के बाद 3 अप्रैल को संजय सिंह जेल से बाहर आए थे और इसको लेकर लगातार विवाद भी होता रहा है। हालांकि संजय सिंह लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जिस तरह से मनीष सिसोदिया के ऊपर जो कार्रवाई की गई है ईडी द्वारा, उसको लेकर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। हालांकि अभी ईडी लगातार अपनी तरफ से सफाई दे रही है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी इसको एक राजनीतिक षड्यंत्र बताती रही है। और आपको याद होगा अभी 1-2 दिन पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा बताया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल द्वारा भी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह द्वारा भी, और संजय सिंह ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी थी और कहा था कि जिस तरह से तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश हो रही है, LG 24 घंटे उन पर कैमरे से नजर रख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल क्या खा रहा है, कब सो रहा है, कब जाग रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, और ऐसा रवैया उनके साथ किया जा रहा है, ये आरोप आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने लगाए थे। संजय सिंह ने तो ये भी कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है, क्योंकि जिस तरह से तिहाड़ जेल में पहले भी पिछले कुछ समय में देखा होगा कि 2 गुटों में आपस में झड़प होती रही है और कुछ लोगों की हत्याएं तक हुई है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी ऐसी साजिश रची जा रही है। और ये आरोप लगातार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के समर्थक लगाते रहे हैं। और जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगातार ईडी ने समन भेजे है, तो उनके जवाब भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसी रूप में दिए थे। और उन्होंने कहा था कि जो यह समन भेजे जा रहे हैं ये लगातार राजनीति से प्रभावित है और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर ईडी यह समन भेज रही है। और जिस तरह से मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था और संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी यही लगातार अंदेशा था कि अगर ईडी के सामने वो पेश होते हैं तो उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। और जो आम आदमी पार्टी को शक था वो हुआ भी, क्योंकि जैसे ही हाई कोर्ट ने आगे बेल देने से मना किया अरविंद केजरीवाल को, तो अगले ही दिन ईडी पहुंच जाती है गिरफ्तार करने और अरविंद केजरीवाल को उठा लाती घर से। और उसके बाद अब लगातार जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया, तो अब देखना होगा कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट से ही आप सांसद संजय सिंह को जमानत मिली है, तो अब हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को भी जल्द जमानत मिल जाए। जिस तरह से ईडी को अब 3 मई तक का समय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और जो 5 सवाल पूछे उनका जवाब देना होगा ईडी को। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार यह क्लियर करती रही है कि जो ईडी आरोप लगा रही है वो भाजपा के दबाव में लगा रही है और भाजपा के कहने पर ही लगा रही है। और आम आदमी पार्टी तो सीधा सीधा आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर लगाती रही है और कहा कि जिस तरह से जो कार्रवाई हो रही है वो अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने से रोकने के लिए है और मोदी सरकार या केंद्र सरकार दिल्ली की सरकार को भंग करवाना चाहती है, आम आदमी पार्टी को खत्म करवाना चाहती है, क्योंकि मोदी सरकार डरी हुई है आम आदमी पार्टी से। जिस तरह से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ और उसके बाद आम आदमी पार्टी तरक्की करती जा रही है, ये लगातार आरोप लगाती रही है आम आदमी पार्टी। और अतिशी सिंह और संजय सिंह लगातार आरोप भी लगाते रही है केंद्र की मोदी सरकार पर कि यह
हमारे साथ साजिश कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। हालांकि आपको याद होगा कि जो आम आदमी पार्टी के दिल्ली के नेता वो भी आरोप लगाते रहे और आम आदमी पार्टी पंजाब के जो नेता वो भी आरोप लगाते रहे कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं को ऑफर दिए जा रहे भारतीय जनता पार्टी द्वारा, कभी 5 करोड़ का, कभी 20 करोड़ का, और कभी ड्राय धमकाया जाता है, ईडी सीबीआई की धमकी दी जाती है। और जिस तरह से लगातार अरविंद केजरीवाल जैसे ही जेल में गए तो पूरा इंडिया गठबंधन भी उनके समर्थन में उतरा था। और अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। आप क्या कहते हैं इस पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज़।